हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे क्रॉक्स ब्रांड के क्लॉक्स का। चलिए पहले जल्द से जल्द इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। ये क्लॉक्स ईवा मटेरियल का बना हुआ है, मतलब ये मटेरियल रबर का तो नहीं है, पर ये मटेरियल पूरा रबर जैसा ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। इसकी फिनिशिंग और कटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, जिसको छू के ही आपको एक अच्छे ब्रांड वाली फीलिंग आ जाती है। इस क्लॉक्स में वेंटिलेशन के लिए इस प्रकार के होल दिए गए हैं ताकि आपके पैरों में पसीना ना आए और बारिश के वक्त इसके अंदर पानी जमा ना रहे। इसमें ये छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं ताकि आपके पैर बारिश के वक्त इसके अंदर फिसले नहीं। इसका सोल काफ़ी थिक है और सॉफ्ट है ताकि इसे पहनते वक्त आपके पैरों में किसी प्रकार का दर्द ना हो। आप इस क्लॉक्स को किसी भी मौसम में कहीं भी पहन सकते हैं। आप इसके पीछे के बेल्ट को आगे की तरफ करके आप इसको एक स्लीपर की तरह भी पहन सकते हैं। ये क्लॉक्स इतना हल्का है कि इसको पहनने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने पैरों में कुछ पहना हुआ है। जब कभी आपको ये क्लॉक्स को धोना हो तो आप इसको पानी से धोकर हल्के से कपड़े से पोंछ सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है, मेरा एक्चुअल साइज़ UK 8 है, तो मैंने फ्लिपकार्ट से UK 6 साइज़ का क्लॉक्स ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट ने मुझे UK 7 साइज़ का क्लॉक्स डिलीवर किया है, जो कि मुझे बरोबर फिट हो रहा है। इसलिए जब कभी आप क्रॉक्स के क्लॉक्स ऑर्डर करें तो एक या दो साइज़ कम करके ऑर्डर करें। इसका MRP है 2495 रुपीज़। बिना सेल के इसका सेलिंग प्राइस है 1746 रुपीज़ फ्लिपकार्ट पे, और मुझे ये फ्लिपकार्ट सेल में केवल 964 रुपीज़ का मिला है, और मुझे पेटीएम से पेमेंट करने पे 40 रुपीज़ कैशबैक भी मिला है, तो फाइनली ये क्लॉक्स मुझे 924 रुपीज़ का मिला है। अगर आप नेक्स्ट सेल तक रुक सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आपका बजट 1600 से 1800 रुपये तक का है तो आप इस क्लॉक्स को बिना सेल के ही खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपका बजट 600 से 800 रुपये तक का है तो आप किसी और अच्छे ब्रांड के क्लॉक्स के लिए जा सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।